की बिना पे कौन कौन से केसेस में कौन कौन सी दिफात में जो है उनको गिरफ्तार करके कोर्ट मार्शल का प्रोसेस शुरू किया गया है, इस हवाले से जो इत्तलात है या जो तफसीलात है वो आना बाकी है। जी अच्छा काशिफ, आईएसपीआर की जानिब से एक प्रेस रिलीज में तमाम तर जो कार्रवाई है उस हवाले से बताया गया है, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर टॉप सिटी की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी शुरू की गई है, इससे क्या मुराद है? देखिए बुनियादी तौर पे जो सुप्रीम कोर्ट है उसके हुक्म पर ये इंक्वायरी की गई थी कि जो एक धरना दिया गया था फैजाबाद में, उस धरने के अंदर जो धरने के मुजाहिरीन थे उनके साथ जो मामलात थे, जो चीज़ें थी, जो इंक्वायरी करना थी इंक्वायरी करना जरूरी थी, और सुप्रीम कोर्ट यानी से कहा गया था कि फौज अपने इंटरनल मैकेनिज्म के तहत उन लोगों को आइडेंटिफाई करे जिन्होंने इस तरह के धरने प्लान किए, इस तरह के धरनों की प्लेसमेंट की और सारी चीज़ें की। उस तमाम तनाजुर में जो है वो कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट के कि फौज खुद अपने अंदर एक मैकेनिज्म जो है वो तय करे और उस मैकेनिज्म के तहत जो है वो उसको चीजों को चलाया जा सके। सो इस तमाम सूरत हाल के तनाजुर में सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी के तनाजुर में जो है वो एक जो है बकायदा इंक्वायरी की गई थी, और इससे कबल एक इंक्वायरी सामने आई थी जिसमें वजारत दाखिला के एक ऑफिसर ने इंक्वायरी की थी और उन्होंने उसमें जनरल फैज हमीद को क्लियर करार दिया था, जिस इंक्वायरी रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ने लेटर ऑन जो है वो टर्न डाउन कर दिया था। इसके अलावा जो जनरल फैज हमीद है उनके ऊपर एक बड़ा क्लियर जो है वो एलिगेशन ये था कि उन्होंने टॉप सिटी जो एक हाउसिंग सोसाइटी है उसके मालिक के साथ जो है वो मिसहैंडलिंग की थी और अपनी जुरिस्डिक्शन से बियॉन्ड जाके उनके साथ जो है वो एक एक्टिविटी की थी, और उस टॉप सिटी की जो मालिक है अब्दुल मुईज उनके साथ जो उन्हें महबूस रखा गया, उनकी कारोबार को नुकसान पहुंचाया गया, उस तमाम तनाजुर के पेश नज़र जो है भी एक इंक्वायरी की गई है जिसमें लगता है कि उनको बकायदा गिरफ्तार करके कोर्ट मार्शल करने का कहा गया है। अच्छा काशिफ, हमें यह भी बताइएगा कि किन इल्जामात का सामना उन्हें रहा है माजी में? देखिए बुनियादी तौर पे माजी में उनकी जात के साथ बहुत सारी कंट्रोवर्सीज जो हैं वो रही हैं। बुनियादी तौर पे जो मेजर कंट्रोवर्सी थी वो एक तो ये धरना केस था, उसके अलावा टॉप सिटी के जो मालिक हैं उनके साथ मिसहैंडलिंग थी, उनको उनके कारोबार को नुकसान पहुंचाना था, उस हवाले से उनकी कंट्रोवर्सी रही है। इसके अलावा जितना एक एक्टिविटी थी बिलखसूस जो बीडीएम की हुकूमत में जो हुक्मरान थे उनको प्रेशराइज करना, लोगों को जोर जबरदस्ती जो है वो मैनेज करना, इसके अलावा जो है जो एक ट्रैकर था बुशरा बीबी का और इमरान खान जो साबिक वजीर आजम बानी तहरीक साहब वो और जो फैज़ हमीद इनका एक ट्रैकर बन गया था, उस ट्रैकर के जरिए बहुत सारी चीज़ों को एक्टिवेट किया जाता था, बहुत सारी चीज़ों को मैनेज किया जाता था। इस तमाम सूरत हाल के तनाजुर में जो है जनरल फैज़ हमीद जो है बतौर DGISA काफ़ी कंट्रोवर्शियल रहे हैं, और मैं आपको बताता चलूँ कि ये पाकिस्तान के मैकेनिज्म के अंदर एक खबर अजीब मामला है कि इससे कबर कभी ऐसा लोग कह रहे थे, सुनी थी, गुफ्तगू की जा रही थी कि जनरल फैज हमीद जो है उनकी इंक्वायरी हो रही है, उनको अरेस्ट किया गया है, उनके ऊपर मुख्तलिफ चार्जेस प्रिंट किए गए हैं, लेकिन कोई भी सॉलिड चीज बाहर नहीं आ रही थी। ये पहली दफा ऐसा हुआ है कि साबिक दीजिए आइए जनरल फैज हमीद। ठीक है, इसी हवाले से हम मजीद तफसीलात के लिए बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे सरदार हमीद हमारे साथ मौजूद हैं। सरदार बताइएगा, आईएसपीआर की जानिब से बाकायदा एक प्रेस रिलीज जारी की गई है, क्या कुछ बताया गया है उनकी गिरफ्तारी के हवाले से और उनके खिलाफ जो कार्रवाई शुरू की गई है? जी बिल्कुल, साबिक आईएसआई के सरदार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर फैज हमीद के खिलाफ जो है फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की जो कार्रवाई शुरू कर दी गई है और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर फैज हमीद को हिरासत में ले लिया गया, उनको गिरफ्तार कर लिया गया और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर टॉप सिटी की जो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी शुरू की गई थी उसके तहत जो है उनके खिलाफ इंक्वायरी का आगाज हुआ है और इंक्वायरी पाक फौज ने शुरू की है और उनको फौजी तहवील में ले लिया गया है और अब उनके खिलाफ जो है कोर्ट मार्शल की फील्ड कोर्ट मार्शल की जो केस है वो बाकायदा तौर पर शुरू कर दिया गया है और इनको इनका कोर्ट मार्शल भी होगा अब और इनके इम्कान यह है कि इनके जो रैंक्स हैं वो भी जब्त होने का इम्कान दायर किया जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर यह इंक्वायरी शुरू की गई है। ये बहुत बड़ा एक ब्रेक थ्रू है फौज पाकिस्तान के अंदर के किसी साबिक लेफ्टिनेंट जनरल को जो हाल ही में रिटायर हुए थे उनके खिलाफ ये इंक्वायरी फौरी तौर पर हल्ड की गई है और फौरी तौर पर कार्रवाई का इनके खिलाफ आगाज हुआ है। तो ये पाक फौज की जानिब से जो प्रेस रिलीज सामने आया है उसमें यही बताया गया है कि इसमें जो इनके इन्वॉल्वमेंट थी इसकी टॉप सिटी हाउसिंग मंसूबे में जो इनकी इनका जो इन्वॉल्वमेंट थी उस पर इनके खिलाफ तहकीकात चलती रही हैं जिसके बाद फैज हमीद के खिलाफ पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत तदबी कार्रवाई शुरू की गई है। आईएसपीआर का कहना है और सुप्रीम कोर्ट के अहकाम पर पाक फौज की तफसीली कोर्ट ऑफ इंक्वायरी
की गई है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर फैज हमीद को फौजी कैबिन में बकायदा तौर पर ले लिया गया है और फैज हमीद जो थे उनके खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का अमल भी शुरू हो चुका है। और इससे पहले जितने भी कोर्ट मार्शल हमारे सामने नजर आए हैं उनमें जो रैंक्स हैं सरकारी वो भी जब्त कर लिए जाते हैं, तो ये भी इम्कान है कि इनके जो रैंक्स हैं सरकारी वो भी जब्त कर लिए जाएंगे। तो ये बड़ा एक अमल जो है वो शुरू कर दिया गया है अफवाज पाकिस्तान की जानिब से और ये गिरफ्तारी जो है बाजाबता अमल में लाई गई है जिसकी तस्दीक जो है ISPR ने बाजाबता तौर पर कर दी है। और ये मामला था टॉप सिटी केस का जहाँ पे उनके खिलाफ जो है पाकिस्तानी आर्मी एक्ट के तहत जो है तबदीली कार्रवाई का आगाज हुआ है और ये पहला मौका है कि अफवाज पाकिस्तान के किसी सीनियर तीन अफिसर और ISI के सबक सरबराह को जो है वो तहवील में लिया गया। तो इससे ये जाहिर होता है कि अफवाज पाकिस्तान के इंटरनल जो इंसाफ का अमल है वो बड़ा मजबूत तरीन है और किसी को भी इसमें जो है वो छुटकारा नहीं मिलता। आपको याद होगा कि राहील शरीफ जनरल जो सबक सरबराह थे पाक फौज के उनके दौर में भी दर्जनों जो रिटायर और आदर सर जो लोग थे उनका भी कोर्ट मार्शल किया गया था और उनको भी सजाएं दी गई थी जिनमें मुख्तलिफ इल्जाम थे करप्शन के भी थे बाज अफसरान के ऊपर और दीगर। तो ये कहा जा सकता है कि अफवाज पाकिस्तान के अंदर जो एक सख्त तरीन जो अमल है सजा और जजा का उसके तहत ये एक बड़ी गिरफ्तारी है आज और इंक्वायरी जो है वो पाक फौज ने शुरू की थी और उसके तहत जो है कार्रवाई का अमल आगे बढ़ाया जा रहा है और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर फैज हमीद को फौजी तहवील में भी ले लिया गया है। चंद अरसा पहले वो रिटायर हुए थे, तकरीबन साल के करीब जो है वो उनको हो चुका है रिटायरमेंट के और उसके बाद ये इनके खिलाफ इंक्वायरी और मुख्तलिफ खबरें सामने आई थी सोशल मीडिया के ऊपर भी और यकीनन अफवाज पाकिस्तान का ये हिस्सा रहे हैं। उस सिलसिले में अफवाज पाकिस्तान के लिए जरूरी हो गया था कि वो तहकीकत करेंगे आया इस के अंदर जो इन्वॉल्वमेंट इनकी थी वो क्यों थी और इसकी तहकीकत हुई है और तहकीकत के बाद ही उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। तो अब उनके खिलाफ जो कार्रवाई होगी वो पाकिस्तान आर्मी एक्ट की दफात के तहत इंजबाती कार्रवाई की जाएगी और कोर्ट मार्शल की उनके खिलाफ जो है वो तैयारी शुरू कर दी गई है। और आने वाले सरदार हमीद हमें ये बताइएगा कि टॉप सिटी केस में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ जो शिकायत की तफसीली तहकीकात की गई किस किस्म की शिकायत थी उनके खिलाफ? जी बिल्कुल, उनके खिलाफ उनका सूख इस्तेमाल करने के हवाले से थी कि उन्होंने अपना बतौर DGISI उन्होंने जो है वो अपना सूख इस्तेमाल किया और तादीबी कार्रवाई जो है इस हवाले से उनके खिलाफ की जा रही है। इस कार्रवाई के हवाले से ही बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के जो अहकाम थे उनकी तामील करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इसमें इनके खिलाफ मुकम्मल तहकीकत की जाए। एक तफसीली कोर्ट ऑफ इंक्वायरी जो है पाक फौज ने लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद रिटायर के खिलाफ किया गया है शुरू किया है और टॉप सिटी केस में शिकायत भी दुरुस्ती का पता लगाने के लिए जो है की थी। ये शायद जो इनके खिलाफ इल्जाम हैं वो कितने दुरुस्त हैं तो उस हवाले से जाहिर है उनके इल्जाम पर ये तहकीकत मुकम्मल होंगी और नतीजतन पाकिस्तान आर्मी एक्ट की दफात के तहत जो है लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद के खिलाफ जो है मुनासिब तदबीर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। और इसके अलावा रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान आर्मी एक्ट के खिलाफ वर्जी के मुतद्दिद वाकयात भी सामने आए हैं और फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का अमल शुरू कर दिया गया है जिसमें दो जो इससे पहले एक ब्रिगेडियर थे और इसी तरह कर्नल थे लेफ्टिनेंट कर्नल उनका भी कोर्ट मार्शल किया गया था और उनके रैंक्स भी जब्त कर दिए गए थे। तो इम्कान यही है कि इनके खिलाफ भी जो फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की तैयारी का अमल शुरू कर दिया गया है और उसके तहत लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर फैज हमीद को जो है अब बाजाब्ता तौर पर फौजी तहवील में ले लिया गया है। और उनके ये भी बताइएगा सरदार हमीद के फैज हमीद के रिटायरमेंट को कितना अरसा हो चुका है और कितनी उनके खिलाफ तहकीकात होती रही इस अरसे के दौरान? जी तकरीबन ये एक साल का तकरीबन अरसा उनको हुआ है रिटायर हुए और एक साल के करीब या डेढ़ साल का अरसा होगा वो रिटायर हुए हैं और उसके बाद वो जो है इनके खिलाफ इल्जाम जो है वो सामने आए थे और अफवाज पाकिस्तान ने फौरी एक्शन नहीं लिया लेकिन चूंकि अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से वाज अहकाम आ गए थे कि इन अहकाम की तामील की जाए और इनके तहत इनको इनकी गिरफ्तारी अमल में लाई जाए और ये इंक्वायरी इब्तदाई तौर पर की गई है अफवाज पाकिस्तान की जानिब से जिसमें यह साबित हुआ कि किसी हद तक उनका इसमें रोल था और उसी बुनियाद पर जो है अब उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। और आर्मी एक्ट जो है उसमें वाज़े तौर पर जो रिटायर फौजी अफसरान हैं या जो हाजिर सर्विस होते हैं उनके खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई बुनियादी तौर पर की जाती है जिसमें उनके रैंक्स जो है वो जब्त कर लिए जाते हैं, उनकी पेंशन और दीगर मराहत जो होती हैं उनको जो मिलती हैं अफवाज पाकिस्तान की जानिब से वो यकीनन बंद कर दी जाती हैं। इस तरह की जो चीज़ें हैं वो इनके खिलाफ काफ़ी हद तक सामने आ चुकी हैं
तो अब यही बताया जा रहा है, ISPR ने अभी तस्दीक की है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकाम की तामील करते हुए एक तफसीली कोर्ट ऑफ इंक्वायरी पाक फौज ने लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर फैज हमीद के खिलाफ जो है किए गए टॉप सिटी केस में जो उनके खिलाफ शिकायत की दुरुस्ती का पता लगाने के लिए की गई थी, और उसके नतीजे में जो है पाकिस्तान आर्मी एक्ट की दफात उन पर लगती थी, जिसके तहत लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर फैज हमीद को गिरफ्तार कर लिया गया है, आर्मी तहवील में ले लिया गया है और उनके खिलाफ बाकायदा कार्रवाई शुरू कर दी गई है। और इसके अलावा रिटायरमेंट के बाद तकरीबन 1.5 से 2 साल का अर्सा हुआ है उनको रिटायर हुए, और इसके बाद जो है पाकिस्तान आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी के मुतद्दद वाकयात भी सामने आए हैं। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का अमल जो है वो शुरू कर दिया गया है और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर फैज हमीद को फौजी तवील में उनको रखा जाएगा और उनके खिलाफ बाकायदा मिलिट्री कोर्ट में ये ट्रायल होगा, और इस ट्रायल के दौरान उनको यकीनन उनकी सफाई का मौका भी दिया जाएगा, और इस ट्रायल के बाद उनके पास जब सबूत मुकम्मल तौर पर हो जाएंगे तो उनको कोर्ट मार्शल कर दिया जाएगा, और कोर्ट मार्शल में जो है वो रैंक्स भी जब्त कर दिए जाते हैं और जितनी भी मराहत उनको बतौर साबिक रिटायर। ठीक है सरदार हमीद, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। सीनियर तजिया का सज्जाद मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। सज्जाद साहब, बड़ी अहम खबर सामने आई है कि साबिक DGISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को फौजी तहवील में लेकर उनके खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू कर दी गई है, आप इस अमल को कैसे देखते हैं? मेरे ख्याल में इस बात की बहुत देर से तवक्को की जा रही थी कि फैज हमीद की कुछ सरगर्मियां ऐसी हैं जिन पर कार्रवाई हो सकती है। अब हिरासत में लिया गया है और कोर्ट मार्शल किया जाएगा, और वो गालबन जो उन्होंने पब्लिक नहीं किया था वो जजेस के केसेस में उनकी दखल अंदाजी का मामला होगा, जिसके बारे में जिसके हवाले से ये सारी बात की गई है, तफसील इंशाल्लाह जल्द सामने आ जाएगी। कोर्ट मार्शल में अमूमन सारी बात खुलकर बयान नहीं की जाती, लेकिन हमें तवक्को रखनी चाहिए कि जल्द ही मामला सामने आ जाएगा, और ये इस मुल्क की तारीख में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वाकया होगा। अच्छा सज्जाद साहब, ये भी बताया जा रहा है कि आर्मी एक्ट के खिलाफ वर्जियां उन पर साबित भी हुई हैं, आपके ख्याल में किन इल्जाम के जद में वो रहे हैं? बहुत सारे इकदाम उनके थे, उनकी दखल अंदाजी होगी और कुछ चीज़ों का उन्होंने इतराज किया होगा, और हो सकता है अफगानिस्तान के बॉर्डर के हवाले से उनकी कुछ बातें हों जिसका तबसरा किया गया हो, लेकिन सब चीज़ें सामने आने दें तो हम कुछ तबसरा कर सकते हैं। सिक्योरिटी का मामला है, फौरी तौर पर खुल के बात करना मुनासिब है। ठीक है, सीनियर तजियाकार हमारे साथ सज्जाद मीर साहब मौजूद, और उनका ये कहना था कि अभी जब मजीद तफसीलात सामने आएंगी तो फिर इस हवाले से मजीद तजिया दिया जा सकेगा। अहम तरीन खबर है, पाक फौज ने साबिक DGISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को फौजी तहवील में लेकर उनके खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू कर दी है। ISPR की जानिब से जारी बयान के मुताबिक पाक फौज ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकाम पर अमल करते हुए टॉप सिटी केस में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ शिकायत की तफसीली तहकीकात की। फौज ने फैज हमीद के खिलाफ इल्जामात पर इंक्वायरी कमेटी बना दी है, और आपको मजीद बताएं कि तहकीकात के बाद लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत मुनासिब तादीबी कार्रवाई का आगाज किया गया है। उन पर रिटायरमेंट के बाद मुतअद्दिद मौकों पर पाकिस्तान आर्मी एक्ट के खिलाफ वर्जी के इल्जामात भी साबित हुए हैं। इस हवाले से लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का अमल शुरू किया जा चुका है और उन्हें फौजी तहवील में ले लिया गया है। पाक फौज ने साबिक DGISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को फौजी तहवील में लेकर उनके खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू कर दी है, और ये भी बताया जा रहा है कि मुतअद्दिद इल्जामात उन पर साबित हुए हैं जिनकी तफ्तीश की गई थी। सरदार हमीद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। सरदार, ये टॉप सिटी केस में बताया जा रहा है कि उनके खिलाफ शिकायत थी जिनकी तफसीली तहकीकात की गई और फिर बात यहाँ तक पहुँची है, इस हवाले से कुछ अपडेट्स दीजिएगा हमें। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकाम पर ये ISPR की जानिब से जो बड़ी खबर सामने आई है कि साबिक DGISI और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर फैज हमीद को फौजी तहवील में ले लिया गया है और उनके खिलाफ तफसीली जो कोर्ट मार्शल की कार्रवाई है उसका आगाज कर दिया गया है। पाकिस्तान आर्मी एक्ट की दफात के तहत लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर फैज हमीद रिटायर के खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जा रही है तदबी, और उन पर जो सूख इस्तेमाल करने के इल्जाम थे, टॉप सिटी जो हाउसिंग मनसूबा है और उसके हवाले से बताया भी गया है कि वहाँ पे उन्होंने असरसूख इस्तेमाल किया और बड़े पैमाने पर, और यकीनन उसमें माली फवायद जो हैं वो भी उनके हवाले से ये शिकायत हैं कि उन्होंने उसमें हासिल किए थे,
और ये इल्जाम उन पर सरेआम जो है वो लगाए गए और वहाँ पे केस भी जो है इनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक गया। और इससे पहले जो कि फौज पाकिस्तान जब तक कोई ऑथेंटिक एविडेंस ना हो किसी ऑफिसर के खिलाफ उसके खिलाफ पूरी कार्रवाई नहीं की जाती, तो काफ़ी इंक्वायरी जो है इससे पहले की जाती रही है फौज पाकिस्तान की जानिब से और इन्वेस्टिगेशन टीम जो है उनसे तहकीकात करती रही है, जिसमें ये बात दुरुस्त साबित हुए इल्जाम उनके ऊपर और उसकी दुरुस्ती के बाद जो है उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। चूँकि अगर इल्जाम बेबुनियाद होते तो यकीन उनको गिरफ्तार न किया जाता, इतने बड़े रैंक के ऑफिसर थे वो। तो मुकम्मल तहकीकात हुई है अफवाज पाकिस्तान की जानब से और जिसमें पूरे सबूत जो है वो उनके खिलाफ सामने आए हैं। काप सीधी हाउसिंग मनसूबे के अंदर उन्होंने अपना रसूख इस्तेमाल किया और उसमें यकीन माली फायद भी उन्होंने हासिल किए। बतौर डी जी आई एस आई वो एक इंतहाई असास पाकिस्तान के अहदे पर और असास तरीन पोस्ट पर वो तैनात थे, तो उनके खिलाफ ऐसी इल्जाम का सामने आना जो है वो न सिर्फ अफवाज पाकिस्तान की बदनामी का बायस बना है बल्कि पूरे इदारे के ऊपर भी जो है वो इससे हर्फ आता है। और अफवाज पाकिस्तान ने ये कार्रवाई करके इदारे को भी बचाया है और ये भी साबित किया है कि यकीनन जो इस तरह के ऑफिसर इन्वॉल्व होंगे और अगर इस तरह के इन्वॉल्वमेंट किसी सीनियर अफसर की तरफ से भी होगी तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। तो ये कार्रवाई जो है इससे कबल सुप्रीम कोर्ट ने इससे मुतलक दरख्वास्त निपटाते हुए कहा था कि दरख्वास्त गुजार के पास फैज हमीद समेत दीगर रिटायर्ड फ्रीकैन के खिलाफ जो तीन फोरम हैं और दरख्वास्त गुजार चाहे तो वजारत दफा सिविल या क्रिमिनल कोर्ट से रिव्यू कर सकता है। तो ये फाइंडिंग थी सुप्रीम कोर्ट की और ये भी कहा गया था कि इसलिए सुप्रीम कोर्ट केस के मेरिट्स को छेड़े बगैर जो है ये दरख्वास्त निपटाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बेसिकली ये इदारों की तरफ भेजा था इस केस को कि वो इसके खिलाफ कार्रवाई करें और इसकी पूरी तहकीकत करें और तहकीकत के बाद कार्रवाई करें। और इससे पहले आईसीआर की जानिब से तहरीरी तौर पर ये बात सामने आई थी कि फैज हमीद के खिलाफ इंक्वायरी जो है वो शुरू कर दी गई है। तो इस तहकीकत के बाद ये साबित हुआ है कि जितने भी इनके खिलाफ इल्जाम थे वो दुरुस्त साबित हुए हैं और जिसकी बुनियाद पर उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। और अब गिरफ्तार करने के बाद उनके खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत कोर्ट मार्शल की कार्रवाई जो है वो शुरू कर दी गई है। और कोर्ट मार्शल में एक तो जो सर्विस होती है उसमें जो उनके उनको रैंक्स मिले होते हैं वो भी जब्त कर लिए जाते हैं और जितनी भी फौजी मराहत उनको दी जाती है वो भी बंद कर दी जाएंगी, ये भी इम्कान हैं। और उनको इस हवाले से जो कोर्ट मार्शल की सजा होगी उससे भी बकायदा तौर पर आर्मी की जानिब से अफवाज पाकिस्तान की जानिब से मीडिया को भी बकायदा आगाह किया जाएगा। जिस तरह ये बड़े वाजे अंदाज में ये बताया गया है आईएसआर की जानिब से इल्जाम की इब्तदाई इंक्वायरी के बाद जो है उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई है और पाक फौजी इंक्वायरी फैज हमीद के खिलाफ शिकायत की दुरुस्ती के लिए जो है उसकी गिरफ्तारी की अमल में लाई गई है। और यकीनन बहुत बड़ी गिरफ्तारी है और इस गिरफ्तारी के बाद जो है ये जो पाक अफवाज के इदारे के खिलाफ एक बड़े सीनियर अफसर के खिलाफ ये इल्जाम सामने आए थे हाउसिंग मनसूबे के अंदर जो है उनकी इन्वॉल्वमेंट थी और उसमें उन्होंने मालिक फौज। ठीक है सरदार हमीद, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मसूद साहब, आप इस सारे अमल को कैसे देख रहे हैं? जी हाँ, देखें कि एक तो ये चीज समझने वाली है कि वाज़े एक मैसेज है कि इररेस्पेक्टिव ऑफ योर रैंक और स्टेटस फौज पाकिस्तान में खास तौर पर पाकिस्तान आर्मी में अगर आपने पाकिस्तान आर्मी एक्ट को या डिसिप्लिन को वायलेट किया है तो इस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा, वो अकॉर्डिंगली कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। दूसरा ये मैसेज भी है अफवाज पाकिस्तान के अंदर एक कड़ा एहतसाब है, सेल्फ अकाउंटेबिलिटी का एक कंसेप्ट है और ये इदारा एक डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन की वजह से ये इदारा एक मुनज़्ज़म इदारे के तौर पर देखा जाता है। इसी वजह से इसको कहते हैं ये फौज जो है पाकिस्तान आर्मी जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी है इस मुल्क के। और देखिए पाकिस्तान, हमने 9 मई के वाकयात हमने देखा जब एक लेफ्टिनेंट जनरल, 3 मेजर जनरल और 7 ब्रिगेडियर्स को 15 दिन के अंदर कार्रवाई करके फारिग कर दिया गया था क्योंकि उन्होंने कहा था दे फेल टू प्रिवेंट जो इवेंट्स हुए थे। तो अफवाज के अंदर एक है सिस्टम है और यही एक मैसेज बाकी इदारों के लिए भी है कि वो अपने सिस्टम में जो इदारों में बेहतरी लाएं और जहाँ पे केसेस हैं या कोई पेंडिंग चीजें हैं उनको एड्रेस करना चाहिए, खासतौर जब टेररिज्म की बात होती है, इस तरह के केसेस हैं जो जुडिशरी रिलेटेड है तो मेरे ख्याल में वहां पे तवक्को की जाती है जिस तरह फौज के अंदर एक डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाता है।
तो तवक्को ये है कि सिविल इदारे भी उस वहां से ऐसा एक जवाब आए, खासतौर जब टेररिस्ट को ट्रायल करते हैं, टेररिस्ट के कोर्ट्स हैं या पेंडिंग केसेस हैं, तो वहां भी तवक्को की जा सकती है कि सिविल से या जुडिशरी की तरफ से ऐसा जवाब आए। जो बाकी इदारे भी हैं, देखें कि फौज में इससे बड़ा क्या हो सकता है कि एक सीनियर ऑफिसर था लेकिन उसमें एक जो चीज एस्टेब्लिश हुई उसकी वायलेशन हुई है, तो उस पर अकॉर्डिंगली फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल हो रहा है। ये बताइएगा कि इंक्वायरी कमेटी बनाई गई थी जिसमें ये इल्जामात साबित हुए और फिर उनके खिलाफ अब कोर्ट मार्शल का अमल शुरू किया गया है, इसका तरीका कार क्या होता है, ये अमल किस तरह से होता है? जी हाँ, देखिए कि इसमें सिस्टम बड़ा फौज में ये है कि एक तो ये बड़ा ट्रांसपेरेंट सिस्टम होगा, दूसरा ये है कि स्पीडी जस्टिस का कंसेप्ट है फौज में, केसेस लटकाते नहीं है, डेली बेसिस पे यहाँ पे हेयरिंग होती है। सिविल में तो अनफॉर्चुनेटली देखें कि सालों साल लगते हैं, एक नस्लें तबाह हो जाती हैं, वह फैसला नहीं आता। फौज में ऐसा नहीं होता है क्योंकि एक इंक्वायरी ऑलरेडी हो चुकी है, इसके बाद अभी कोर्ट मार्शल पे गए हैं तो उसमें चीजें होंगी, लेकिन यहाँ पे जो मुलजिम होता है उसके लिए वो डिफेंस काउंसिल वो हायर कर सकता है, अपने पसंद के वकील और काउंसिल वो ले सकता है, और इसमें अब ट्रायल होगी, इसके बाद अगर उसमें सजा वगैरह होती है तो उनके पास चांस है कि आर्मी चीफ को वो एप्लीकेशन दे सकता है, सब्सिक्वेंटली वो हाई कोर्ट्स में जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। तो सिस्टम बहुत वाज़े है और इसमें कोई शक वाली बात है ही नहीं। अच्छा सर, जो रिटायरमेंट के बाद उन्हें मरात हासिल हैं, क्या वो कंटिन्यू रहेंगी जब तक कि उनका अमल चल रहा है कोर्ट मार्शल का? नहीं, अभी तो वो कंटिन्यू रहेंगे, लेकिन जब डिसीजन हो जाता है इसके बाद, अगर वो गिल्टी होते हैं और उसमें ये साबित हो जाता है, तो इसके बाद ही मरात वापस ली जाती है।